समझ में आ रहा बात हम क्या करना चाह रहे हैं, इसीलिए फ्रिक्शन पिक्चर में आता है, ये समझ में आ गया। तो फ्रिक्शन जो है कॉन्टेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अच्छा, अब इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें ये क्या है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है, यानी कॉन्टेक्ट फोर्स, यानी केवल कॉन्टेक्ट में आने से फोर्स नहीं लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। यस, नॉर्मल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। लुक एट दिस ब्लॉक, इफ आई प्लेस दिस ब्लॉक ऑन दिस बोर्ड लाइक दिस, देन देयर इज ए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसिस इन कॉन्टेक्ट। ये जो सर्फेस कॉन्टेक्ट में आया ना, ये जो सर्फेस कॉन्टेक्ट में आया, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इस सर्फेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी दो सर्फेस कॉन्टेक्ट में आता है कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। यस, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टेक्ट फोर्स है, वो केवल कॉन्टेक्ट में आने से फ्रिक्शन नहीं लगता है, उसके साथ साथ क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, सर्फेसेस के बीच या तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मोशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा बात मेरा? जैसे एक ब्लॉक को एक सरफेस पे रख दिए, हम बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज जीरो, फ्रिक्शन इज जीरो बिकॉज देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, बिकॉज नॉर्मल इज बैलेंस्ड बाय एमजी एंड देयर आर नो एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रिक्शन, बिकॉज नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, द आंसर इज जीरो, दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्रिक्शन। But when you put this block on an inclined plane like this, then there is a component of force along the inclination of the plane, that is mg sin theta. And this force tries to drive this block down the plane. It means due to this force, there is a tendency of relative motion, or there is a relative motion. That's why frictional force oppose this relative motion or tendency of relative motion and acts opposite to this direction, isn't it? Look at here, is mg sin theta is the net external force on this block? Kya mg sin theta net external force hai block pe, yes or no? Mg sin theta is the net external force on this block, yes or no? Yes, mg sin theta is the net external force on this block, yes or no? Yes. Because normal is balanced by mg cos theta, not mg, my dear, not mg, this is mg cos theta, this is mg cos theta. So that's why mg sin theta is net external force, and the direction of frictional force is opposite to the direction of net external force, isn't it? Clear ye baat? इसीलिए इसके अगेंस्ट अभी लग रहा है। फिर से हम आते हैं, फ्रिक्शन जो है फोर्स है, कैसा फोर्स है, कॉन्टेक्ट, केवल कॉन्टेक्ट में आने से फोर्स लगने लगेगा क्या? नहीं। अपना कंसेप्ट बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं हम, जो कंसेप्ट जानते हैं उस कंसेप्ट को हम तुमको ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहे हैं। पढ़ा तो दिए हैं फ्रिक्शन, हम एक समरी दे रहे हैं तुमको फ्रिक्शन का, ओवरऑल कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्या कॉन्टेक्ट में आने से फोर्स लगने लगेगा? नहीं सर, कॉन्टेक्ट में आने से फोर्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं, ए ब्लॉक ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शनल फोर्स। इफ देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, देर इज नो जनरेशन ऑफ हीट, बिकॉज फ्रिक्शन कॉजेज हीट। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट विच यू मस्ट अंडरस्टैंड, जो तुमको ये जरूर समझना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या क्रिएट करता है, हीट क्रिएट करता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों, ये भी समझ में आया। अब आते हैं, अब बताओ कि वट इज फ्रिक्शन? सर, फ्रिक्शन इज ए फोर्स एंड इट इज ए टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स, and it is an also an electromagnetic force. When it is said to be contact force, it doesn't mean when two blocks comes together there will be a frictional force. There will be frictional force if there is a relative motion between the surfaces in contact, or relative motion, either tendency of relative motion or relative motion. And why it is said to be electromagnetic force? Because the particle of one material interact with the particles of another material, and particle is said to be here in the case of atom. An atom consists of electron, proton and neutron. Electron resides in the shell where electrons are revolving, continuously revolving around a nucleus, and nucleus contains protons and neutrons. So whenever atom of one material interacts with the atom of another material, then there is a force. Why force?
And this force is known as frictional force. And this frictional force is opposite to the direction of net external force. ये समझ में आया बात?